आप आ गए प्रभु, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रणाम प्रभु। देवी तारा, मेरे कारण जो आपको कष्ट हुआ है, मैंने आपका अपमान किया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हम आपके पास संतान की इच्छा को लेकर आए हैं, हमारी कोख श्रापित है, हमारी कोख श्रापित है, हमें किसी ने संतान रहित रहने का श्राप दिया है। शिवा, ये श्राप किसने कब और क्यों दिया, ये हमें कुछ ज्ञात नहीं है, किंतु उस श्राप के कारण हम आज तक संतान के लिए तरस रहे हैं। शिवा गुरुदेव, अब आप ही मेरी सखी के कष्ट का निवारण कर सकते हैं। ये मेरी सखी ही ने मेरी बहन से बढ़कर इसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं इसी विश्वास के साथ आपके पास आई हूँ कि आपके आशीर्वाद से इसकी भी सूनी गोद भर जाएगी। देवी अंजना, ईश्वर पर भरोसा रखिए, उन्हें की कृपा से यहाँ जो भी आता है अपने कष्टों से निवारण पाता है। देवी तारा, आप चिंतित मत हो, कल अनुष्ठान के पश्चात मैं ध्यान में बैठूंगा और आपकी समस्या का हल निकालने का प्रयास करूंगा। बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। रावण, मैं अग्नि तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। अगर अपना जीवन चाहते हो तो हमारे चरणों में गिरकर क्षमा मांगो। पीछा करो उन देवताओं का। बचाओ। अब हमें शीघ्र अति शीघ्र ये बता, केसरी का वो पुत्र मारुति है कौन? तो काल चक्र को उल्टा
घुमा देंगे हम। रावण, रावण, मेरे बार बार चेतावनी देने के पश्चात भी तुमने इस समय चक्र के विरुद्ध कार्य किया है। अब मैं तुम्हें दंड दूंगा और तुम्हें पता लगेगा कि समय की मार क्या होती है। जीवित छोड़ता हूं यदि फिर तूने वानरों के बारे में बुरा सोचा। इस बार तो मैंने तुझे यहां मारा है, अगली बार लंका में आके मारूंगा। ये सब देखकर इतना तो सिद्ध हो गया कि उस बानर पुत्र मारुति को बचाने के लिए सब देव एकजुट हो जाते हैं। उसे हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो सब देव तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। नहीं माते, रावण, हम रावण हम किसी से नहीं डरते, और ये देव देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माते, फिर भी तुम बार बार असफल हो जाते हो रावण, परंतु अब हम तुम्हें वो सफलता दिलाएंगे जिसके लिए तुम वर्षों से जतन कर रहे हो। माते, वो कैसे बताइए ना, कैसे? जाओ और पुनः उस जल कुंड में अपना प्रतिबिंब देखो। जाओ। ओम फट 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 पाताल शक्ति मानिकम बला दानवी शक्ति मानिकम बला जागो जागो शक्ति जागो। रावण, अब तुम हट जाओ वहां से। ये सब क्या है, बताइए ना, क्या है ये सब? We'll be right back.
हुआ ऋषिवर? ऋषिवर क्या हुआ, क्या देखा आपने, बताइए ना, ये श्राप हमें किसने दिया है? क्षमा करें गुरुदेव, मुझे लग रहा है कि कुछ बात अवश्य है जो आप हमसे छिपाना चाहते हैं। ऐसा ही समझो देवी अंजना, हम तुम्हें कुछ बता नहीं सकते। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? तारा और अंजना दोनों बड़ी आशाएं लेकर आई हैं आपके पास, इन पर कृपा कीजिए, आप ही इनके कष्टों को दूर कर सकते हैं। ऋषिवर, तारा को बता दीजिए किसने इनको श्राप दिया था। बताइए गुरुदेव, कौन है जिसने मेरी सखी को इतना बड़ा दुख दिया है? एक नारी से उसकी ममता छीनने से बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? बताइए गुरुदेव, बताइए। तुम सुनना चाहती हो देवी अंजना, तो सुनो। ये श्राप तुमने दिया है अंजना, तुमने ही देवी तारा को निसंतान रहने का श्राप दिया है, तुमने ही देवी तारा को निसंतान रहने का श्राप दिया है, तुमने ही देवी तारा को निसंतान रहने का श्राप दिया है। ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी ही सखी तारा को श्राप कैसे दे सकती हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है ऋषिवर, हमने अंजना और तारा को बचपन से ही देखा है, ये एक दूसरे के लिए प्राण तो दे सकते हैं पर श्राप नहीं दे सकते। ऋषिवर, कहीं आपसे कोई भूल तो नहीं हो गई है? नहीं जामवंत जी, नहीं, मेरी योग विद्या से कोई भूल नहीं हो सकती। देवी अंजना ने ही देवी तारा को निसंतान होने का श्राप दिया था।
अंजना ने ही देवी तारा को निसंतान होने का श्राप दिया था और ये घटना उस समय की है जब देवी अंजना किष्किंधा गई थी। रावण के बहकावे में आकर बाणी रावण का दिया हुआ मायावी तीर अंजना पर चलाकर मारुति का जन्म होने से पहले ही मारने का षड्यंत्र रचा था। जब देवी अंजना और केसरी अपने शयन कक्ष में सो रहे थे तो बाली उनके शयन कक्ष के बाहर आया। अंजना का पुत्र मेरा काल बनेगा। अब ये पुत्र कभी जन्म नहीं लेगा। अंजना का पुत्र जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाएगा और किसी को ज्ञात भी नहीं होगा। कैसे होने लगी? लगता है मेरे पुत्र को कोई समाप्त कर देना चाहता है। मेरे पुत्र ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर कोई ऐसा क्यों करना चाहता है? हे ईश्वर, मेरे पुत्र की रक्षा करो। यदि कोई मेरे पुत्र को मारना चाहता है तो एक माँ की हाय लगेगी उसे, वो सदा संतानहीन रहेगा, उसे कभी संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। बली काका, इतनी शांति क्यों है यहाँ? सब कहीं गए क्या? नहीं मारुति, सब यही है। क्या हुआ मेरे लाल, क्या सोच रहे हो? माँ, मैं सोच रहा था कि रात के अंधेरे को दूर करने के लिए दिन का उजाला है। गुरुदेव, माता ने बताया है कि मेरा जन्म आपके आशीर्वाद से ही हुआ है।